हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लाइन कमांड। तो पहले स्केचर सिलेक्ट कर लेते हैं। स्केचर में आने के बाद सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए हमने कल जो सीखा था उसे एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद मॉडल डिस्प्ले, इसोमेट्रिक, यह हमें इस्तेमाल होता है पार्ट मॉडलिंग में, लेकिन हम अभी से आदत डाल लेंगे तो अच्छा होगा। फिर स्केचर, स्केचर में सबसे नीचे आएंगे और स्केचर रेफरेंस दोनों टिक है, तो इसे ओके करते हैं और शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल। लाइन कमांड, लाइन कमांड ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लाइन चेन और सेकंड लाइन टेंजेंट। तो सिलेक्ट करते हैं लाइन, स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट देन सेकंड पॉइंट। ये लाइन चेन में कंटिन्यू बनती रहेगी जब तक हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे चाहिए हम पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं। ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट चेन ड्रॉ होने के बाद भी लाइन एक्टिवेट होती है। अगर हमें कमांड छोड़ने हैं तो माउस का मिडल बटन एक बार प्रेस करिए, कमांड एक्टिव रहेगी लेकिन यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुकी है। अगर हम फिर से कहीं पे क्लिक करते हैं तो फिर से लाइन कमांड एक्टिव रहेगी। एक बार मिडल स्क्रॉल बटन प्रेस किया तो ये वर्क बेंच में लाइन कंप्लीट हो जाती है। अगर इसे दो बार प्रेस किया तो कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी हम अभी हमारी लाइन कमांड ऑफ है। ये हमने ड्रॉ किया लाइन कमांड के सहारे। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ लाइन कमांड सेलेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमें डिफाइन करने हैं बस। बाद में हम उसे एडिट भी कर सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे डायमेंशन में। स्क्रॉल बटन प्रेस किया, कमांड को डेली एक्टिवेट किया, ये हो गया पहला टाइप। अब हम सिलेक्ट करेंगे सेकंड टाइप, लाइन टेंजेंट। तो टेंजेंट हम आर्क और सर्कल का दे सकते हैं, इसके लिए हमें पहले ड्रॉ करना होगा सर्कल जो हम अभी सीखेंगे। तो मैं पहले ऐसे ही दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब लाइन में सिलेक्ट करेंगे लाइन टेंजेंट। अगर मुझे इन दोनों को टेंजेंट लाइन से ज्वाइन करना है तो अगर हमने पहले लाइन चेन सिलेक्ट किया तो इसका एक पॉइंट सिलेक्ट होगा और इसका दूसरा, लेकिन इनमें टेंजेंसी नहीं होगी, बस ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे इन दोनों में टेंजेंसी अप्लाई करनी है, यहाँ पे हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं, मुझे दोनों को टेंजेंशियली ज्वाइन करना है। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइन टेंजेंट, पहला सर्कल सिलेक्ट किया, उसके बाद सेकंड। ये लाइन अभी दोनों को ज्वाइंड हो चुकी है, वो भी टेंजेंशियली। फिर उसे देखते हैं, ये सर्कल, ये अनदर सर्कल, लाइन सिलेक्ट करते हैं लाइन टेंजेंट, सर्कल सिलेक्ट किया, बाद में दूसरा सर्कल, यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो गई। अभी हम सीखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बेसिकली चार पॉइंट है, कॉर्नर रेक्टेंगल, स्लैंटेड रेक्टेंगल, सेंटर और पैरेललोग्राम। तो पहला सिलेक्ट करते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल। इसे डिफाइन करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना होगा और एंड पॉइंट।
फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद सेकंड पॉइंट हम जिस डायरेक्शन में डिफाइन करेंगे उस तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट करते हैं सेकंड स्लैंटेड, इसमें भी स्टार्ट पॉइंट, देन मिडल पॉइंट, और इसके बाद हम इसे थर्ड पॉइंट के सहारे डिफाइन कर सकते हैं। स्लैंटेड रेक्टेंगल अगर हमें टेपर में ड्रॉ करना है तो स्टार्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट और यहाँ से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही रेक्टेंगल के सहारे हम दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर रेक्टेंगल, ये ज़्यादातर यही यूज होता है। सेंटर डिफाइन करने के बाद बस हमें एंड पॉइंट डिफाइन करना है। इसकी हाइट और विड्थ दोनों सेम होंगे, हम चाहे तो डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये इसी के लिए यूज होता है। उसके बाद है लास्ट पैरेललोग्राम, सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम जहाँ पर भी डिफाइन करेंगे, उसके बाद वो रोटेशनली हम उसे थर्ड पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे भी हम थर्ड पॉइंट देंगे वो ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट, मिडल पॉइंट, स्ट्रेट या टेंजेंट भी रख सकते हैं, और थर्ड पॉइंट के सहारे से ड्रॉ करते हैं। तो रेक्टेंगल के हो गए फोर टाइप। अब हम सीखेंगे सर्कल। सर्कल में पांच टाइप है, सेंटर एंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक थ्री पॉइंट और थ्री टेंजेंट। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं सेंटर एंड पॉइंट। हमें सिर्फ दो पॉइंट ही डिफाइन करना है, सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट। इन दोनों की रेडियस हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जो यहाँ पे डायमीटर दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करके हम जो चाहे वो दे सकते हैं। ये आ गई इसका डायमीटर, हम रेडियस भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब सीखेंगे हम डायमेंशन में। अभी लेते हैं सर्कल का सेकंड पॉइंट, लेकिन इसके लिए हमें कंपलसरी एक आर्क या फिर एक सर्कल का होना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहले सर्कल, अब हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रिक, बस हमें सर्कल को सिलेक्ट करना है। इनर साइड या आउटर साइड में हमें जहाँ पे सर्कल चाहिए हम सीधा क्लिक करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में, इनर साइड और आउटर साइड भी। इसका फोर्थ टाइप थ्री पॉइंट, हमें इसमें थ्री पॉइंट डिफाइन करने हैं, और ये तीनों पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा सर्कल पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। जब हम कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें पॉइंट डिफाइन किया है, तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास तीन पॉइंट है, तो हम सर्कल सिलेक्ट करेंगे थ्री पॉइंट, डिफाइन करेंगे ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, और इसका आखिरी थ्री टेंजेंट, इसे ड्रॉ करने के लिए हमें लाइन या फिर सर्कल या फिर आर्क रिक्वायर्ड है, तो हम सर्कल ही यूज करते हैं। तो ये तीन सर्कल, थ्री टेंजेंट यूज करने के लिए हमें सिर्फ डिफाइन करने हैं टेंजेंट शेप, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और ये तीसरा। ये जो सर्कल ड्रॉ हुआ है इसकी हमें
डायमेंशन देने की जरूरत नहीं कि टेंजेंशियली तीनों को जॉइंट है। ऐसे ही हम लाइन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड और ये थर्ड लाइन। तो सिलेक्ट करेंगे सर्कल, थ्री टेंजेंट, फर्स्ट लाइन, सेकंड और ये थर्ड। ये तीनों लाइनों को सर्कल ड्रॉ हो गया बाय टेंजेंशियल। तो इस तरह ये तीनों कमांड हम यूज कर सकते हैं। जाने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।